Hello friends, welcome to PsArt. I am Reena Jain. For learning Photoshop from basics to advanced, please subscribe to this channel and press the bell icon to get daily videos. आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट फोल्डेड पेपर टेक्स्ट इन फोटोशॉप. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले फाइल मेन्यू में जाएंगे और न्यू पे क्लिक करेंगे. यहाँ पे विड्थ आपको 1280 और हाइट 720 रखनी, पिक्सल्स में ही रखनी, रिजोल्यूशन 72 रखना है. अब ओके पे क्लिक करेंगे. अब यहाँ पे मुझे ब्लू कलर देना है बैकग्राउंड को, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और ब्लू कलर सेलेक्ट करेंगे. यहाँ से ये वाला दे रही हूं मैं, आप देख सकते हैं ये कोड. अब ओके पे क्लिक करेंगे. अब कंट्रोल की को होल्ड करते हुए बैक स्पेस की प्रेस करेंगे. आप देख सकते हैं ब्लू कलर फिल हो गया. अब बैकग्राउंड की जो लेयर है यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे. आप देख सकते हैं ब्लेंडिंग ऑप्शंस नहीं आ रहा अभी, तो लेयर फ्रॉम बैकग्राउंड इस पे क्लिक करेंगे. नेम में यही रख रही हूँ, लेयर जीरो. अब ओके पे क्लिक करेंगे. अब यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे लेयर जीरो पे, तो आप देख सकते हैं अब ब्लेंडिंग ऑप्शन आ रहा है. इस पे क्लिक करेंगे. अब बेवल एंड एम्बोस इस पे क्लिक करेंगे. यहाँ पे स्टाइल आपको पिलो एम्बोस रखनी है, टेक्निक स्मूथी रखनी है और डेप्थ 100% रखनी है. अब टेक्सचर पे क्लिक करेंगे. अब यहाँ पे आपको जो भी अच्छा लगे वो टेक्सचर आप दे सकते हैं. मैं ये वाला दे रही हूं. अब यहाँ पे क्लिक करेंगे. अब ओके पे क्लिक करना है. अब मुझे टेक्स्ट टाइप करना है, तो इसके लिए मैं यहां से टाइप टूल सेलेक्ट करूंगी. अब यहां पे क्लिक करेंगे. आप देख सकते हैं मेरा फॉन्ट ओरिग्राम है. अब यहां पे क्लिक करेंगे. अब यहां पे टाइप करेंगे बैंड बी ई एंड डी. अब यहां पे क्लिक करेंगे. अब कंट्रोल की को होल्ड करते हुए टी प्रेस करेंगे और इसकी साइज बढ़ा देंगे. इसे ड्रैग करना है आपको. इतनी ठीक है, अब एडजस्ट कर लेंगे. अब यहां पे क्लिक करेंगे. अब टेक्स्ट का कलर मुझे चेंज करना है, तो इसके लिए यहां पे क्लिक करेंगे और आपको जो भी कलर रखना है आप रख सकते हैं. मैं ये रख रही हूं. अब ओके पे क्लिक करेंगे. अब टेक्स्ट की जो लेयर है यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और रेस्टराइज टाइप इस पे क्लिक करना है. अब टेक्स्ट पे सिलेक्शन बनाना है, तो इसके लिए कंट्रोल की को होल्ड करते हुए टेक्स्ट का जो थंबनेल है इस पे क्लिक करेंगे. आप देख सकते हैं सिलेक्शन बन गया. अब न्यू लेयर क्रिएट करेंगे यहां से. अब मास्क ऐड करना है लेयर वन पे, तो इस पे क्लिक करना है आपको मास्क पे. ये मास्क ऐड हो गया, आप देख सकते हैं. अब इस पे क्लिक करेंगे, आपको इसे एक्टिव रखना है. अभी ये एक्टिव है मास्क, आप देख सकते हैं. अब मैं इस पे क्लिक करूंगी, अब ये एक्टिव है. अब रेक्टेंगुलर मार्कर टूल सेलेक्ट करेंगे यहां से. अब आपको जहां पे भी फोल्ड इफेक्ट देना है वहां पे सिलेक्शन बनाना है. इससे पहले मैं इसे स्क्रीन में फिट करने के लिए कंट्रोल की को होल्ड करते हुए जीरो प्रेस करूंगी. अब यहां पे सिलेक्शन बनाऊंगी. अब ग्रेडियंट टूल सेलेक्ट करना है यहां से. अब यहां पे क्लिक करेंगे. आप देख सकते हैं ये सेकेंड वाला ऑप्शन सेलेक्टेड है मेरा, फोरग्राउंड टू ट्रांसपेरेंट. फोरग्राउंड कलर जो है वो ब्लैक रखना है आपको. अब ओके पे क्लिक करेंगे. अब यहां पे शिफ्ट की को होल्ड करते हुए लाइन ड्रैग करनी है आपको. अब इसे डीसेलेक्ट करना है, तो कंट्रोल की को होल्ड करते हुए डी प्रेस करेंगे. अब इसकी ओपेसिटी कम करनी है, तो यहां से कम कर देंगे, 50% कर देंगे. अब एंटर की प्रेस करेंगे. अब वापस रेक्टेंगुलर मार्कर टूल सेलेक्ट करना है आपको. अब यहां पे सिलेक्शन बनाना है. अब ग्रेडियंट टूल सेलेक्ट करना है यहां से. अब शिफ्ट की को होल्ड करते हुए लाइन ड्रैग करनी है. अब इसे डीसेलेक्ट करना है, तो कंट्रोल की को होल्ड करते हुए डी प्रेस करेंगे. अब वापस रेक्टेंगुलर मार्कर टूल सेलेक्ट करेंगे. अब यहां पे सिलेक्शन बनाना है. अब ग्रेडियंट टूल सेलेक्ट करेंगे यहां से. अब शिफ्ट की को होल्ड करते हुए लाइन ड्रैग करनी है. अब कंट्रोल की को होल्ड करते हुए डी प्रेस करेंगे इसे डिसेलेक्ट करने के लिए.
अब वापस रेक्टेंगुलर मार्की टूल सेलेक्ट करेंगे। अब यहां पे सेलेक्शन बनाना है। अब ग्रेडिएंट टूल सेलेक्ट करना है। अब शिफ्ट की को होल्ड करते हुए लाइन ड्रैग करनी है। अब कंट्रोल की को होल्ड करते हुए डीप्रेस करेंगे डिसेलेक्ट करने के लिए। अब रेक्टेंगुलर मार्की टूल सेलेक्ट करेंगे वापिस। अब यहां पे सेलेक्शन बनाएंगे। सेलेक्शन गलत बन गया आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे सेलेक्शन के अंदर राइट क्लिक करेंगे और ट्रांसफॉर्म सेलेक्शन इस पे क्लिक करेंगे। अब इसे थोड़ा सा नीचे की तरफ लाएंगे, इतना ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब ग्रेडिएंट टूल सेलेक्ट करना है यहाँ से। अब शिफ्ट की को होल्ड करते हुए लाइन ड्रैग करनी है। अब इसे डीसेलेक्ट करना है तो कंट्रोल की को होल्ड करते हुए डीप्रेस करेंगे। अब वापस रेक्टेंगुलर मार्की टूल सेलेक्ट करेंगे यहां से। अब यहां पे सेलेक्शन बनाना है। अब ग्रेडिएंट टूल सेलेक्ट करेंगे यहां से। अब शिफ्ट की को होल्ड करते हुए लाइन ड्रैग करेंगे। अब इसे डिसेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल की को होल्ड करते हुए डी प्रेस करेंगे। अब वापस रेक्टेंगुलर मार्की टूल सेलेक्ट करेंगे। अब यहां पे सेलेक्शन बनाएंगे। सेलेक्शन थोड़ा गलत बन गया तो इसके लिए यहाँ पे सेलेक्शन जो है इसके अंदर राइट क्लिक करेंगे और ट्रांसफॉर्म सेलेक्शन इस पे क्लिक करेंगे। अब इसे थोड़ा सा नीचे लाएंगे, ये अब ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब ग्रेडियंट टूल सेलेक्ट करेंगे यहाँ से। अब शिफ्ट की को होल्ड करते हुए लाइन ड्रैग करेंगे। अब इसे डिसेलेक्ट करना है तो कंट्रोल की को होल्ड करते हुए डी प्रेस करेंगे। अब वापस रेक्टेंगुलर मार्की टूल सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे सेलेक्शन बनाना है। सेलेक्शन थोड़ा ऊपर बन गया तो इसके लिए यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और ट्रांसफॉर्म सेलेक्शन इस पे क्लिक करेंगे। अब इसे थोड़ा सा नीचे लाएंगे, ये ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब ग्रेडिएंट टूल सेलेक्ट करेंगे यहाँ से। अब शिफ्ट की को होल्ड करते हुए लाइन ड्रैग करेंगे। अब इसे डिसेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल की को होल्ड करते हुए डी प्रेस करेंगे। अब वापस रेक्टेंगुलर मार्की टूल सेलेक्ट करेंगे यहां से। अब यहां पे सेलेक्शन बनाएंगे। अब ग्रेडिएंट टूल सेलेक्ट करेंगे यहां से। अब शिफ्ट की को होल्ड करते हुए लाइन ड्रैग करेंगे। अब इसे डिसेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल की को होल्ड करते हुए डीप्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं ये कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। So friends, I hope you like this video. If you are a new visitor, then please subscribe to this channel and press the bell icon.